बैरियर्स टू क्रिएटिविटी वो क्या मामला हैं जो कि आपकी क्रिएटिविटी को किल करते हैं वो क्या मामलात हैं जिनकी वजह से हम क्रिएटिव थिंकर्स पैदा नहीं कर पाते देखिए ये तो हमने देखा है कि ये बड़ा अहम है एंट्रपनी के लिए टू बी क्रिएटिव और टू हैव ए क्रिएटिव टीम और टू हैव पीपल हु आर क्रिएटिव जिसकी ज़रिए उसका जो बिज़नेस है वो इनोवेट करे और वो जो एंट्रप्रियोर है उस इनोवेशन को आ, अपने बिजनेस प्लान के जरिए इम्प्लीमेंट करें लेकिन क्रिएटिविटी जो है वो बड़ी रेयर कमोडिटी है ठीक है बिकॉज हम सब जो हैं आमतौर पे एक लाइन में सोचने के आदि होते हैं और अपने ब्रेन को इस्तेमाल नहीं करते इन ऑर्डर टू क्रिएट तो वही लेफ्ट एंड राइट ब्रेन जो है आगोमेंट सो लेट सी व्हाट आर द बेरियर्स टू क्रिएटिविटी क्या वजह हैं जिसकी वजह से हमारी जो क्रिएटिव uh, सेंस है वो उस उस तरह से एक्टिवेट uh, नहीं होती सर्चिंग फॉर द वन राइट आंसर कि एक ही सोल्यूशन है बस यही सोल्यूशन uh, है यही प्रोसीजर है यही तरीका है फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि देखिए अगर आपने आ, जो सप्लाई चेन की बात करनी है डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन की और हम साल साल इसी आ, पे रहे कि देखिए देर शुड वुड बी ए डिस्ट्रीब्यूटर देर बी ए होल सेलर देर इज़ ए रिटेलर और रिटेलर से जाएगा कस्टमर के पास या कंज्यूमर के पास तो ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है विच विल बी देयर इन एवरी सप्लाई चेन डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन तो ये तो एक लाइन uh, में थिंकिंग है ये तो एक आर्गूमेंट uh, है लेकिन वो कितने लोग हैं जिन्होंने इसको इस पर्टिकुलर आर्गूमेंट को uh, किसी और एंगल से भी देखने की कोशिश की देखिए ये जो ऑनलाइन uh, सेलिंग है ये इट कम्प्लीटली चैलेंजेस दिस बट दिस सप्लाई चेन मॉडल सो दैट इज द क्रिएटिविटी तो आप एक ही जो मखसूस जवाब है उसके ऊपर अगर रहें तो आप क्रिएटिविटी को किल करेंगे फोकसिंग ऑन बींग लॉजिकल देखिए लॉजिक है ना ये कि अगर हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रखा तो ये कामयाब हुआ ये पाँच साल पहले भी कामयाब हुआ ये दस साल पहले भी कामयाब हुआ ये बीस साल पहले भी कामयाब हुआ इफ यू ट्राई एनीथिंग न्यू दैट विल बी ए फेलियर तो ये जो uh, सिर्फ लॉजिक जो है वो आ, अगर आप लॉजिकल रहेंगे तो आप फिर क्रिएटिव नहीं रहेंगे ब्लाइंडली फॉलोइंग द रूल्स के जो कवानीन है देखिए हम कहते हैं ना जो आर्टिस्ट होता है वो एक इंडिपेंडेंट सोल होती है वो लिबर्टी पे बिलीव करता है बिकॉज अगर इंडिपेंडेंस और आ, लिबर्टी नहीं होगी तो वो सोच नहीं सका अगर आप उसको कवानीन का सिर्फ पाबंद कर देंगे तो वो फिर क्रिएटिव नहीं रहेगा कॉन्स्टेंटली बींग प्रैक्टिकल ठीक है प्रैक्टिकल कि जो वट इज बींग प्रैक्टिस्ड। अगर आप ये करें तो ये होगा अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा ठीक है ना ए प्लस बी इज देर इज एन आंसर तो इफ़ यू रिमेन टू दैट आंसर And if you do the thing the the uh, the way the market is doing, then there is nothing new So, uh, uh, jo, the things which are being practiced out of the box thinking viewing plays play as frivolous k up particular uh, माइंडसेट uh, के मुताबिक के अलावा जो अगर कुछ चीज़ें हैं कुछ लेट्स से मेंटल गेम्स हैं या कुछ uh, और प्लेज uh, हैं तो आप समझें हैं फजूल है इसका कोई ज़रूरत नहीं है तो एक वही लॉजिकल प्रैक्टिकल एंड एक पैराडाइम uh, जो है उस उसमें अगर आप रहेंगे तो क्रिएटिविटी नहीं होगी बिकमिंग ओवरली स्पेशलाइज्ड किसी एक चीज़ में जब आप स्पेशलाइज करते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये ही प्रोसीजर है इस पे चलने का इसको करने का एम्बिगुटी के अंदर नहीं जाना चाहते आप कन्फर्मिटी लाना चाहते हैं ब्लैक और वाइट नो ग्रे फेयरिंग लुकिंग फुलिश कि अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे लोग तो कहेंगे तो बड़ा बेवकूफा आदमी ये क्या कर रहा है आप अगर जो एक पैराडाइम थिंकिंग है या एक जो रवायती तरीका है अगर आप ट्रेडिशन से हटने की कोशिश करेंगे तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी के लोग कहेंगे भाई ये किस तरह से इस इस काम को करने की कोशिश कर रहा है हम जानते हैं ये काम ऐसे नहीं होता ये इसका मुस्तनंद तरीका है करने का लेकिन ये अगर आप एनफोर्स करेंगे तो क्रिएटिव किल हो जाएगी फेयरिंग मिस्टेक्स एंड फेलर जब आप नया तरीका अपनाएंगे नए तरीके से सोचेंगे नए तरीके से कामों को करेंगे तो उसमें नाकामी का एहतमाल यकीन मौजूद है और अगर आप नाकामी से डरेंगे यू कैन नाट बी क्रिएटिव बिलीविंग दैट आई एम नॉट क्रिएटिव ये एक बहुत कॉमन uh, बैरियर uh, है टू क्रिएटिविटी कि आप समझेंगे नहीं फ़लाँ शख्स तो क्रिएटिव है या कंपनी में क्रिएटिविटी है आई कैन नॉट बिकॉज उसकी शायद यही वजह हो कि आपने कभी अपनी क्रिएटिव सेंसेस को इस्तेमाल ही नहीं किया या आपने एक ऐसा आपको भी ऐसा इन्वॉमेंट नहीं दिया गया और आपने भी ऐसा इन्वॉमेंट क्रिएट नहीं किया जिसमें क्रिएटिविटी जो है वो प्रवेल कर सके Uh, कैसे इसको अपनी इमेजिनेटिव और क्रिएटिव uh, जो थॉट्स हैं उसको बढ़ाया जा सकता है सो यू मे यू मे आस्क योर सेल्फ इज़ देर ए न्यू वे टू डू इट क्या कोई नया तरीका है जिससे uh, इस प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज किया जा सके इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बदला जा सके कैन यू बॉर ऑर अडेप्ट क्या उस वो नया तरीका मैं अख्तियार करूँ कर सकता हूँ कैन यू गिव इट न्यू ट्विस्ट क्या जो एक फॉर्मल uh, थिंकिंग है या एक uh, नया तरीका कोई और इस्तेमाल कर रहा है इनको मिलाया जा सकता है इसको कोई एक नई शेप दे सकते हैं हम डू यू मेयरली नीड मोर ऑफ द सेम जो आप कर रहे हैं इसको और इंटेंसिफाई करना चाहिए या इसके अंदर कुछ कमी लानी चाहिए तो दैट इज़ अगेन एक्सरसाइजिंग योर माइंड अप्लाइंग

उनकी तरफ दोबारा से आ, अच्छी तरह एवेलोटिव सोचना जो है दैट इंक्रीज़ योर क्रिएटिविटी एंड दैट ब्रिंग्स न्यू आइडियाज़ इन योर माइंड